ग्राम पंचायत में ओलंपिक खेलों में रजिस्ट्रेशन के बाद भी टीम को बाहर करने को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। बुधवार शाम को राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी खेलों का आयोजन नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि ओलंपिक खेल कूद में क्रिकेट मैच के लिए 11-11 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, पर टीम के पूरे खिलाड़ी मैदान पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते टीम को बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर युवा व ग्रामीणों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन का कहना था कि नियमों के अनुसार खेलों में जितने खिलाड़ी होने चाहिए वह मैदान में नहीं पहुंचे, जिसके चलते मैच का आयोजन नहीं किया गया। वहीं कुछ युवाओं ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मांग की। उनका कहना था कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया कह चुकी हैं कि ओलंपिक खेलों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऑफलाइन भी कर खेलों का आयोजन करें। ग्रामीणों ने बताया कि कई खिलाड़ी अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन आयोजक नहीं कर रहे हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि अभी तक हमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के कोई आदेश नहीं मिले। इसको लेकर बसवा CBO अशोक शर्मा से दूरभाष पर वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि अभी तक हमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के आदेश नहीं मिले हैं, जब आदेश आ जाएंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुई सरपंच एवं युवा एवं ग्रामीण। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन टीम में एक खिलाड़ी कम होने की वजह से हमारी टीम को बाहर कर दिया गया, और ना ही पहले इसका नोटिस दिया गया कि भाई आज इस तारीख को मैच होगा जो खिलाड़ी हम इकट्ठे करते, और ना इनका ऑफलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं। इस तरह से हमारे एक खिलाड़ी कम होने की वजह से टीम को बाहर कर दिया गया। आपका नाम? जितेंद्र गुर्जर। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण ओलंपिक खेल रहे हैं, मतलब नियम से खेल खिलाया जाए, अन्यथा मतलब जो भी ऑनलाइन टीमें मतलब सिलेक्ट हुई है उनका ही मतलब आगे मतलब मैदान में उनको उतारा जाए। ये नहीं कि ऑफलाइन तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये कोई उचित नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले जब खिलाड़ी और ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं, इनमें खिलाड़ियों ने जब सूचना दी तो मैं पहुंचा तो पता चला कि प्रत्येक टीम में मान लो एक भी खिलाड़ी कम है। जैसे 9 की 9 ने टीम बना करके क्रिकेट करवा रहे हैं, एक खिलाड़ी भी अगर कम है तो ये पूरी टीम को बाहर कर रहे हैं। जबकि कृष्णा पूनिया जी का आज का इंटरव्यू है, जो इसकी ओलंपिक के अध्यक्ष है, कि अगर कोई खिलाड़ी बाहर रह जाता है किसी कारण से, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता, तो ऑफलाइन आवेदन लेकर के भी आप उसको टीम में शामिल करके खिलवा सकते हैं। तो इन्होंने केवल टूर्नामेंट न कराने के लिए और बच्चों को गुमराह करने के लिए यहाँ पे युवाओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुमराह किया गया। पहले तो ऑफलाइन फॉर्म भी वितरित कर दिए, वापस फॉर्मों को लेकर फाड़ दिए गए। कुछ लोगों की मिली भगत होने के कारण पता नहीं किस तरह से टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं स्थानीय प्रशासन और ओलंपिक के जो पदाधिकारी हैं। तो इससे युवाओं में काफ़ी मायूसी है। जो टूर्नामेंट खेलना चाहते थे, अच्छे खिलाड़ी थे, वो आज टूर्नामेंट से बाहर हो गए केवल न कुछ कारण के। अब आपकी क्या मांग? मेरी तो मांग है कि जो ओलंपिक जिस तरह से करवाए जा रहे हैं वो न्यायोचित नहीं है। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और इनको खिलाया जाना चाहिए। पंकज कुमार शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत।